अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं लौकी की खीर। तो चलिए देखते हैं हमें लौकी की खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें 1 लीटर दूध लगेगा। दूध को मैंने गर्म कर लिया है। आधा कप शक्कर ली है मैंने और आधा कप मैं यहाँ पर साबूदाना ले रही हूँ। साबूदाने को मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। उसके बाद इसके पानी को मैंने फेंक दिया है। और 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है। 1/2 चम्मच मैंने हरी इलायची का पाउडर लिया है और 200 ग्राम का मिल्क मेड का मैंने कैन लिया है। ये पूरा मैं इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत मीठा होता है इसलिए शक्कर हमें आधी कप ही ऐड करना है। और मैंने ग्रीन फूड कलर ले लिया है। मेरे पास लिक्विड कलर है, अगर आपके पास पाउडर कलर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 किलो मैंने यहाँ पर लौकी यानी दुधिया ले लिया है। इसके छिलके को निकाल कर इसको ग्रेट कर लिया है मैंने, घिस कर ले लिया है। जब आप बनाएं तो उसके फौरन पहले ही आपको इसको ग्रेट करना है, वरना इसका कलर जो है काला पड़ जाता है बहुत जल्दी से। आपको इसको मतलब बहुत टाइम पहले से ग्रेट करके नहीं रखना है। जब आपको बनाना है तब इमिडिएटली आप इसको ग्रेट करें और बनाएं। तो सबसे पहले हम एक पैन में 3 टेबल स्पून के करीब घी ले लेंगे। घी को हल्का सा हमें गरम कर लेना है। जब घी हमारा गरम हो जाए तो इसमें हम ग्रेट की हुई लौकी ऐड कर देंगे और लौकी को हम फुल फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे या फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसके पानी को हमें सुखाना है। अगर आप डायरेक्ट इसमें दूध ऐड कर देंगे तो दूध आपका फट जाएगा, इसलिए इसको फुल फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहें और इसके पानी को अच्छे तरीके से सुखा लें। तो देखिए लौकी के पानी जो है अच्छी तरीके से सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है घी के साथ। अब गैस की फ्लेम को जो है हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर जो हमने दूध गर्म करके रखा था वो ऐड कर देंगे। कच्चा दूध इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है, फट जाएगा अगर आप कच्चा दूध ऐड करोगे तो। और पहले हम थोड़ा दूध ऐड करके मिक्स करते जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद ही हमें पूरा दूध ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए पूरा दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 लीटर। इसमें उबाल आने देंगे। उबाल जो है आ चुका है दूध में। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जो लौकी है वो नीचे जाकर लगने लगती है बर्तन पर, इसके लिए आपको स्टर करते रहना है इसको। अब 1/2 कप के करीब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे पूरी। इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें 1/2 कप हम साबूदाना ऐड कर देंगे। अगर आपको साबूदाना ऐड नहीं करना है तो आप इसमें चावलों को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। साबूदाना डालने से ये पेट को जो है ठंडक देता है और गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको बना कर खा सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 ड्रॉप के करीब ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। बिल्कुल हल्का सा कलर ऐड करेंगे ताकि दिखने में जो है अच्छा लगे इसका कलर। अब इसको हल्के से स्टर करेंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, बारीक चॉप किए हुए काजू बादाम और पिस्ते, और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचा कर रखे हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें पकने देना है 1/2 घंटा। देखिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चम्मच से चलाते भी रहना है, बिल्कुल छोड़ नहीं देना है वरना खीर आपकी जल जाएगी। तो देखिए ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है, इतनी थिकनेस परफेक्ट है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अब फ्लेम को एकदम लो कर देना है और अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे यानी मिल्क मेड ऐड करेंगे। 200 ग्राम का पूरा एक कैन आपको इसमें ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, बट कंडेंस्ड मिल्क से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। दोनों में से जो आपको चाहिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए लौकी की खीर हमारी बनके जो है रेडी हो चुकी है। इसको हम डिश में सर्व कर लेते हैं। देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं और कितना मज़ेदार और इतना टेस्टी जो है ये लौकी की खीर बनकर रेडी होती है। आप इसको एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये खीर। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना मेरे तरीके से। अब
अब इसको हम गार्निशिंग करेंगे काजू बादाम से, पिस्तों से, या ड्राई फ्रूट जो भी आपको इसमें डालना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी लौकी की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अगर व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।